Hello class 7 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with the second chapter, which is pronouns. So let's get started. A word used instead of a noun is called a pronoun. ऐसा word जो हम noun के अलावा जब use करते हैं उसे हम pronoun कहते हैं. Pronouns are of different kinds. Pronoun अलग अलग तरीके के होते हैं. आइए उन्हें discuss करते हैं. यहाँ पर आपको कुछ कॉलम्स दिए हैं, काइंड्स हैं, यूज है और एग्जांपल भी दिया गया है. तो आपको यहाँ पर सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस दिए गए हैं, उनका किस तरीके से यूज करना होता है और एग्जांपल्स भी हैं. आइए डिस्कस करते हैं. पहला है आपका पर्सनल, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन. इसका यूज देखिए, यूज्ड फॉर पर्संस और थिंग्स. ये हम यूज करते हैं लोगों के लिए या किसी चीज के लिए. इसका एग्जाम्पल देखिए, आई वी यू. इसके एग्जाम्पल्स देखिए, आई वी यू ही शी इट दे मी आर एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के. अब नेक्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स का यूज क्या होता है? पॉइंट आउट द पर्संस और थिंग्स टू विच दे रेफर, यानी कि पॉइंट आउट करता है वो या तो उन लोगों पर या उन चीजों पर जिसके बारे में हम रेफर कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए इसके, दिस दैट दीज दोज. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के. अब नेक्स्ट देखिए इनडेफिनाइट प्रोनाउन. रेफर टू पर्संस और थिंग्स इन अ जनरल वे, नॉट पर्टिकुलर. यानी कि इनडेफिनाइट नाउन जो होता है वो बहुत जनरल वे में हम यूज करते हैं. वो एक पर्टिकुलर नहीं होता है कि पर्टिकुलरली इतना ही कुछ हम बोल रहे हो, बस जनरल फॉर्म में होता है. इसके यूज देखिए, इसके एग्जांपल्स देखिए, ऑल, सम, फ्यू, वन, नन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एक्सेट्रा. अब देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. आस्क क्वेश्चंस, इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. सो जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि हु, हूज, हुम, विच, व्हाट. अब नेक्स्ट देखिए रिलेटिव प्रोनाउन. रेफर टू सम नाउन यूज्ड बिफोर देम, दे कंबाइन टू सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो ऐसे होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और किसी नाउन को रेफर करते हैं. इसके एग्जांपल्स देखिए, हु, हूज, हुम यूज फॉर पर्सन ओनली, विच यूज फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स, दैट यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स एंड एनिमल्स. अब अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप. तो जब हम किसी या थिंग्स के ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एज अ होल हम बात कर रहे होते हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए, ईच, ईदर, नीदर, एवरी, एक्सेट्रा. नोट, पहला नोट देखिए, ईदर इज, ईदर और नीदर इज यूज विच टू पर्संस और थिंग्स आर इन्वॉल्व. सेकेंड नोट देखिए, ईच डिनोट्स एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्संस थिंग्स इन अ ग्रुप. अब नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन. डिनोट्स रेसिप्रोकल और म्यूचुअल एक्शन. किसी भी रेसिप्रोकल या म्यूचुअल एक्शन का, जिस जो दो तरीके के कुछ एक्शंस होते हैं उसको रेफर करता है. एग्जांपल्स देखिए, ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्संस और थिंग्स. वन अनदर इज यूज्ड फॉर थ्री और मोर पर्संस और थिंग्स. लास्ट देखिए रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक. When the action of the subject reflects on the subject or to emphasize the object. जब किसी subject का action जो होता है वो emphasize करता है किसी object को, तब हम reflexive and emphatic pronoun use करते हैं. इसके examples देखिए, myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. अब आगे देखिए आप फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. अब हम यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ फॉर्म्स देखेंगे. पर्सनल प्रोनाउन हैव डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, जेंडर एंड केस. पर्सनल प्रोनाउन के कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं या तो नंबर पे
या फिर जेंडर पे या फिर केस पर। अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, केस और प्रोनाउंस। केसेस में आपके हैं नंबर, नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव्स, और प्रोनाउंस आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन बी, इन कॉलम ए आर सेंटेंसेस यूजिंग द प्रोनाउन इट। ए जो आपको कॉलम दिया है उसमें ऐसा सेंटेंसेस है जो इट प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। एंड इन गिवन कॉलम बी इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इट। और जो आपको बी जो कॉलम दिया है उसमें पर्पस है कि हम इट क्यों यूज कर रहे हैं। एसोसिएट ईच सेंटेंस इन ए विद द रिलेटेड आइटम इन बी। अब आपको ए और बी दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड जो भी होगा उससे एसोसिएट करना है, यानी कि मैच करना है। पहला देखिए, टेक दिस बुक एंड गिव इट टू प्रीतिश। अब यहाँ पर एक बुक की बात हो रही है, तो बुक एक नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यहाँ पर है ना आपके, तो आप उसको इससे मैच करेंगे, यानी कि ऐसी चीज के लिए यूज हम कर रहे हैं उसे जो विदाउट लाइफ है, बुक की कोई लाइफ नहीं है, तो इसे आप यहाँ से मैच करेंगे। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोनाउंस समझ में आए, उनके काइंड समझ में आए, उनके यूजेस हमने देखे, एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।